एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अ विजिट टू कैम्ब्रिज। सो इस चैप्टर में कहानी है दो लोगों की मीटिंग के बारे में। सो दो लोगों की मीटिंग होती है जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, यानी बहुत कमाल के उम्दा लोग होते हैं और दोनों ही डिसेबल होते हैं। डिसेबल मतलब फिजिकली हैंडीकैप होते हैं, या हम कह सकते हैं कि डिफरेंटली एबल होते हैं। तो पहले जो इंसान होते हैं वो है स्टीफन हॉकिंग्स, जो हमारे इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, मतलब इस दौर के सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट हैं। सो वो एक तरह की पैरालिसिस से उनको एक बीमारी है पैरालिसिस, जिसके वजह से उनकी जो बॉडी है वो काम नहीं कर पाती, इसलिए वो व्हीलचेयर पे रहते हैं और इसलिए वो बोल नहीं पाते। उनकी बॉडी पैरालाइज रहती है, सिर्फ उनके जो है हाथ काम करते हैं। तो इसलिए वो अपनी चेयर पे एक चेयर पे बैठते हैं और जो खुद चलती है, और उस चेयर पे एक कंप्यूटर लगा है और उस पे जो भी उन्हें बात करनी होती है, क्योंकि वो बोल नहीं पाते, जो भी उन्हें कुछ कन्वे करना होता है वो उस बटन को, उस लगे हुए कंप्यूटर पे बटन को दबाते हैं, अपने हाथों के फिंगर से दबाते हैं। और फिर जो वो कंप्यूटर है वो एक मैकेनिक आवाज़ में, मशीन जैसी आवाज़ में बोलता है। तो वो मशीन वही बोलती है जो हमारे स्टीफन हॉकिंग्स बोलना चाहते हैं। तो जो सेकेंड जो है, जो स्टीफन हॉकिंग्स से जिनकी मुलाकात होती है, वो है फिरदौस कांगा। तो फिरदौस कांगा एक राइटर है और एक जर्नलिस्ट है जो रहते हैं और काम करते हैं मुंबई। तो कांगा भी जब पैदा हुए थे तो उनकी जो एक बीमारी हो गई है, उन्हें बीमारी है मतलब उन्हें जो ब्रिटल बोन्स की बीमारी, जिसकी वजह से जब वो खेलते थे तो उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती थी या ब्रेक हो जाती थी, क्योंकि उनकी हड्डियां काफ़ी कमज़ोर थी, ब्रिटल थी। तो इसलिए वो भी अभी भी व्हीलचेयर पे चलते हैं, जो है फिरदौस कांगा। तो अब जो ये दोनों मिलते हैं, इतने ग्रेट लोग मिलते हैं, ये क्या बात करते हैं? सो ये बात करते हैं कि इस ज़िंदगी में जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या सोचते हैं, जो फिज़िकली हैंडीकैप लोग होते हैं, और जो ये फिज़िकली हैंडीकैप लोग होते हैं उनको कैसा लगता है, ठीक है, क्या सोचते हैं, क्या उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस है, वो ये सब साझा करते हैं कि नॉर्मल लोग कैसे रिया करते हैं फिजिकली डिसेबल लोग को देख के। तो जो हमारे फिरदौस कांगा है वो कहते हैं कि कैम्ब्रिज में मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैम्ब्रिज एक सिटी है इंग्लैंड में। सो वो कहते हैं मुझे कैम्ब्रिज बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि कैम्ब्रिज में इतनी फेमस यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मुझे और भी अच्छा लगने लगे क्योंकि मैं स्टीफन हॉकिंग से मिला, जो इसे सब जानते हैं। तो मैं एक टूर पर था, क्योंकि मैं हमेशा किताबें लिखता रहता हूँ और मैं ट्रैवल्स के बारे में किताबें लिखता हूँ, तो मैं कैम्ब्रिज के ट्रैवल मतलब कैम्ब्रिज में सिटी घूम रहा था। तभी मेरे जो टूर का जो मेरे वो होते हैं मेंटर होते हैं, गाइड होते हैं, उन्होंने मुझे बताया ये जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो अभी मतलब यहाँ पे कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में है। यानी जो स्टीफन हॉकिंग्स है वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एस्ट्रोफिजिस्ट के हेड हैं। तो एस्ट्रोफिजिसिस्ट है, एस्ट्रोफिजिसिस्ट वो इंसान होता है जो फिजिक्स पढ़ता है, किसके रिलेटेड, यूनिवर्स की फिज़िक्स, जो एस्ट्रोनॉमिकल बड़ी बड़ी हैवी चीज़ों की फिज़िक्स पढ़ता है, जैसे साइंस, जैसे सन, गैलेक्सीज, स्पेस, स्टार्स, सोलर सिस्टम एंड ब्लैक होल, जो इस सब के बारे में, इन सब चीज़ों की फिज़िक्स के बारे में पढ़ता है, उसे कहते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। तो जो हमारे स्टीफन हॉकिंग्स थे वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे अभी। तो इनको तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा वाओ ये तो इतने ज़्यादा फेमस हैं, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में तो आइजैक न्यूटन भी थे, वो भी कभी इतने टॉप पोजीशन पे थे, अब कौन है, अभी हमारे स्टीफन हॉकिंग्स हैं। तो ये कह रहे, ये तो बिल्कुल ही खुश हो गए सुन के कि वाओ ये यहाँ पे आ रखे हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट ये उनको पता था कि ये पैरालाइज्ड हैं, ठीक है, पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, और इन्होंने तो इतनी बड़ी किताब लिखी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो बेस्ट सेलर रही है, पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बिकी है। मेरे कैम्ब्रिज का टूर ख़त्म हुआ, पूरा हुआ, तो मैं फटाफट से फ़ोन बूथ की तरफ भागा और मैंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर का नंबर मिलाया। जब उस तरफ से जो फ़ोन उठाया वो स्टीफन हॉकिंग्स के असिस्टेंट ने फ़ोन उठाया, और मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडिया से आया हूँ और मैं भी पैरालाइज हूँ, यानी मैं भी व्हीलचेयर का सहारा लेके चलता हूँ, और मैं जो है लिखता हूँ, मैं ट्रैवल्स के बारे में लिखता हूँ काफ़ी किताबें, और अभी मैं ब्रिटेन के ट्रैवल्स के बारे में लिख रहा हूँ, और मैं प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग्स से मिलना चाहता हूँ, और 10 मिनट काफ़ी होंगे, 10 मिनट में मैं उनसे मिल के उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ लूँगा। जो उनके असिस्टेंट ने कहा हाफ एन आवर, आपको आधा घंटा मिलता है, आप शाम को 3:30 से 4:30 उनसे मिल सकते हैं। तो मैं तो बहुत ही खुश था। अब अगले दिन जब मैं स्टीफन हॉकिंग से मिलने गया 3:30 बजे, तो वो मेरे सामने बैठे थे, और तभी मुझे लगा कि मुझे क्या बोलना चाहिए, तो मैंने बोलना शुरू कर दिया।
तो जो फ्रेंड फिरदौस कांगा कहते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे ये पता चल रहा था कि मैं डिसेबल हूँ, यानी मेरे अंदर कुछ कमी है। और फिर लोग मुझे कहते थे कि स्ट्रांग हो, बी स्ट्रांग, बी ब्रेव, तो मेरे पास इतना करेज और इतनी बहादुरी नहीं थी। एक चीज़ जो मुझे खुशी देती थी वो ये थी कि जब मैं अपने ही जैसे किसी इंसान को देखता था जिसने बहुत सारी चीज़ें अचीव करी, जो मेरी तरह फिजिकली हैंडीकैप था लेकिन वो काफ़ी कामयाब हुआ, उसने काफ़ी कामयाबी हासिल करी, ठीक है, फिर मुझे लगता था कि हाँ मैं भी कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए भी कुछ है जो मैं कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो जो स्टीफन हॉकिंग्स हैं वो कहते हैं, मैं तो कभी भी ब्रेव नहीं था, आई हैवेंट बीन ब्रेव, और आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि मेरी बॉडी ही ऐसी थी, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि जब भी मैं उनसे सवाल पूछता था तो ऐसा लगता था जैसे मैं उनको फोर्स कर रहा हूँ रिस्पॉन्ड करने के लिए, फोर्स कर रहा हूँ उन्हें जवाब देने के लिए। और वो वहाँ पे चेयर पे बैठे थे, अपने छोटे से हाथ से, जो हाथ में जो उनका एक छोटा सा स्विच था उसको वो दबाते, शब्द ढूंढते, क्योंकि उन्हें जो अपने हाथ के जो स्विच है उस पर क्लिक क्लिक करके वर्ड्स ढूंढने पड़ते थे, फिर जो कंप्यूटर है वो सारे वर्ड्स को इकट्ठा करके वो क्या था, एक स्पीच, मतलब कंप्यूटर एक मशीन टाइप आवाज़ में वो बोलता था। तो इतने ज़्यादा मूवमेंट उन्हें करनी पड़ती थी, और एक जो पूरे शरीर में जो एक मूवमेंट थी वो सिर्फ उनके हाथों में थी। और जब मैंने उनके हाथ देखे, बिल्कुल लंबी लंबी उंगलियां थी और बिल्कुल पेल पड़ चुकी थी उनकी फिंगर्स, और उनकी आंखें जैसे कभी कभी बंद हो जाया करती थी फ्रस्ट्रेशन में, जैसे थकावट हो, थकान में वो कभी कभी अपनी आंखें बंद कर लेते थे। और उनके अपोजिट जब मैं बैठा था तो ऐसा लगता था कि मैं उनकी परेशानी और उनकी दिक्कत समझ सकता हूँ। उनका जो दिमाग है वो बहुत चीज़ें बोल पा रहा है, उनके दिमाग में बहुत सारी थाट्स हैं, बहुत सारे विचार ख्याल आ रहे हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकते। ऐसा लगता है बाहर आते समय वो सब जम जाते हैं क्योंकि वो सब इतनी सारी चीज़ों को बोल नहीं पाते, ठीक है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू थिंक दैट डिसेबल पीपल आर क्रॉनिकली अनहैप्पी। सो जो फ्रेंड्स काफका ने पूछा कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो डिसेबल पीपल हैं यानी जो हैंडीकैप लोग हैं वो खुश नहीं होते, और मैं जानता हूँ कि ये सच नहीं है, तो क्या आप अंदर से हंस रहे हैं? तो 3 मिनट के बाद जो है हमारे स्टीफन हॉकिंग्स ने जवाब दिया कि मुझे बहुत अजीब लगता है, मतलब बहुत मुझे अमेजिंग, बहुत अम्यूजिंग लगता है, मतलब बहुत मुझे मनोरंजन या बहुत मज़ेदार या बहुत फ़नी लगता है जब लोग मेरी मदद करते हैं या मुझे मेरी मदद करते हैं मुझे लाचार समझ के, ठीक है, मेरी मदद करते हैं मुझे लाचार समझ के, तो मुझे बहुत अजीब, बहुत बहुत मजाकिया और बहुत मज़ेदार लगता है ये सब चीज़। तो उसके बाद जो है उन्होंने हल्की सी स्माइल की, और ऐसा स्माइल करी और ऐसा लगा, मुझे उन्हें देख के ऐसा लगा कि जैसे वो दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। जो पहली ग्लिम्स थी उनकी बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी, जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था तो ऐसा लग रहा था कि वो जैसे फ़ोटोग्राफ जैसे ही हों, जैसे हम मैगज़ीन या न्यूज़पेपर्स में पिक्चर्स देखते हैं वो वैसे ही, जैसे एकदम वो पिक्चर 3D हो गई हों, ठीक है, बस वो एकदम पिक्चर जैसे थे। उनका जो सर था एकदम टेढ़ा हो रखा था, एकदम स्लम्प, जैसे कोई जान ही नहीं हो। उनका जो शरीर था बिल्कुल श्रंक, बिल्कुल मुरझाया हुआ था। एक पेल ब्लू शर्ट उन्होंने पहनी थी, पैर एकदम ऐसे लग रहे थे बेजान पैर हैं। बस जब उनकी आंखों में मैंने देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बोल पड़ेंगी, एकदम शांत थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कहने वाले हैं, बहुत ज़रूरी, बहुत अर्जेंट, लेकिन बहुत मुश्किल है कि वो क्या कहना चाह रहे थे। मैंने उसे सवाल किया कि आपको बेस्ट थिंग क्या लगती है, आप विकलांग हैं तो विकलांगों के बारे में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है? तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता विकलांग होने के बारे में। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको पता है दुनिया में कितनी सारी अच्छाई है इस दुनिया में, तो फिर मतलब आप इस चीज़ को पहचान पाए हैं, देख पाए हैं कि लोग अच्छे भी होते हैं, काइंड भी होते हैं? तो उन्होंने हाँ में जवाब दिया। अब हमेशा जब मैं अपनी चेयर को शिफ्ट करता तो मैं हमेशा अपने हाथ पे, अपनी कलाई पे बंधी घड़ी को देखता, क्योंकि मैं उस आधे घंटे के हर पल को अच्छे से अच्छे सवाल मैं उनसे पूछना चाहता था। तो और मैं बहुत खुश होता था कि इतनी पॉसिबिलिटी है कि मैं उनसे बात कर पाया। सो मैंने उनसे कहा कि आप मेरे लिए एक इंस्पिरेशन है जो आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है, और आप दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। जब आप ऐसा सोचते हैं, क्या आप मतलब जब आपको ऐसा आपको लगता है कि आप इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है और लोग आपको बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन के तौर पे लेते हैं, तो ये चीज़ आपको हेल्प करती है किसी तरीके से, आपको इस चीज़ में मदद मिलती है या आपको अच्छा लगता है? तो उन्होंने ना में जवाब दिया। फिर मैंने सोचा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैंने ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि उनकी जो बॉडी है इस तरह से ऐसी है जैसे बंदिश में बंधी हुई है, और
हर दिन वो इतने ज़्यादा मतलब नैरो होती जा रही है और उनकी दायरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें कुछ कर नहीं सकती। वो सिर्फ अपने आँखों खिला सकते हैं और वो सिर्फ अपने हाथ को हिला सकते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या कोई एडवाइस है जो आप डिसेबल लोगों को देना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में फ़र्क आए, जिससे उनकी ज़िंदगी बेहतर हो। तो वो कहते हैं कि उन्हें हमेशा अपने कंसंट्रेट करना चाहिए जो चीज़ें वो अच्छे हैं करने में, ठीक है, जो चीज़ वो अच्छी कर सकते हैं उन्हें उसी चीज़ पे कंसंट्रेट देना चाहिए, ठीक है। और चीज़ें जैसे वो कहते हैं जैसे जो डिसेबल ओलंपिक्स होते हैं, जो डिसेबल लोगों के लिए ओलंपिक्स होते हैं, वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है, ठीक है। यानी वो ये कहना चाहते हैं कि ओवर एंथुजियास्टिक नहीं होना चाहिए, जिसमें आप अच्छे हैं आप वही करें, फालतू चीज़ों पे ध्यान ना दें। तो जो फिरदौस कांगा है वो ये कहते हैं, मैं समझता हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे याद है मैंने सालों साल अपने बिताए हैं, मैंने खर्च किए हैं बिताए हैं, मैंने एक स्पेनिश गिटार सीखने में मैंने लगा दिए, जो मेरे से भी बड़ा था शायद हाइट में। और फिर एक दिन मैंने उसे, एक दिन उसके सारे जो तार होते हैं सारे मैंने तार उसके तोड़ दिए और पूरे नोच दिए, क्योंकि मैं वो सीख नहीं पाया। और जो था आधा घंटा जो था वो हो चुका था, और मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको बहुत परेशान कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने उन्हें कहा थैंक यू, मैं कहने ही वाला था, फिर उन्होंने कहा स्टे, रुको, चाय पी के जाओ और मैं तुम्हें गार्डन दिखाता हूँ। जो गार्डन था वो बहुत बड़ा था, और इतना बड़ा था जितनी बड़ी पार्क होती है, लेकिन जो स्टीफन हॉकिंग से उन्होंने पूरी पार्क का इन पूरा पार्क कवर किया, यानी हर एक इंच को कवर किया अपनी वो जो मोटराइज जो उनकी व्हीलचेयर थी, ठीक है। और हम ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाए क्योंकि जो सूरज की रोशनी थी वो उनकी स्क्रीन पे पड़ रही थी और जो लेटर्स थे जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे थे वो मुझे दिख नहीं पा रहे थे। तो एक घंटे के बाद करीबन मैं निकल गया, ठीक है, मैंने उनके कंधों को छुआ और मैं बाहर चला गया। इवनिंग शाम थी और जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा, मैं जानता था कि वो वेव कर रहे हैं यानी वो हाथ हिला रहे हैं, लेकिन असल में वो हाथ नहीं हिला रहे थे क्योंकि वो हिला नहीं सकते हैं। पर जैसे और जब मैंने उन्हें देखा तो ऐसा लग रहा था कि मैं अपने ही ब्रेव परछाई को देख रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आई होप आपको एक स्टोरी समझ में आई हो और आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी। सो मैंने क्लास 8 के बाकी सिलेबस के भी चैप्टर्स पूरे कर दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट्स में भी मैं पिन कर दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।